दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपने ब्रेन को ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम तथागत पांजा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज हम यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी तो इनॉर्मस है, लेकिन हम उसको ऑप्टिमम लेवल पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये वीडियो मेरे साथ पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद एक मैं प्रोसीड्योर यहाँ पे बताऊँगा जो कि आपको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने के बाद कुछ महीने आप फॉलो करना, और उसके बाद मेरे यहाँ पे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बोलना कि आपको ये बेनिफिशियल लगा या नहीं लगा। तो पहली बात तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो ब्रेन है इसको ऑप्टिमली परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन के थ्रू ही इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है, जिसके थ्रू ये अपना ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाता है। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जब भी हम कोई भारी भरकम लंच के बाद पढ़ने बैठते हैं तो हमें थोड़ा स्लीपी फील होता है, उतना हम एफिशिएंटली कुछ जो फिजिक्स या फिर ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिसमें कि हमें ब्रेन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, तो उस डाइजेशन में जो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है उसी के कारण हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो उस थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन डिप्राइव होने के कारण हमारा ब्रेन ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसके थ्रू हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि हमारे ब्रेन को अगर हम चाहते हैं कि ये ऑप्टिमली परफॉर्म करे तो ऑक्सीजन उसमें पहुंचना चाहिए, और बहुत अच्छे अमाउंट में पहुंचना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू लिख के लाया हूँ, और वो प्रोसीड्योर भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो आवर ब्रेन नीड्स गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि ऑप्टिमम लेवल में परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। इफ़ इट गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन देन वी जनरली फील ड्राउजी एंड स्लीपी। ये भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जब भी कोई भारी भरकम खाने के बाद हम पढ़ने बैठते हैं तो इसीलिए हमें क्या होता है, ड्राउजी और स्लीपी फील होता है। टू यूज़ योर ब्रेन ऑप्टिमली यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जनरली हमें तो ये पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो जिन खानों में मिलते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और ऐसे आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि आप जो अगर वेजिटेरियन है तो उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मिलते हैं, ऐसे कुछ खाने भी मिलते हैं। नॉन वेज में तो बहुत सारे ऑप्शन आई थिंक अवेलेबल होते हैं, तो वो आप खुद से देख सकते हैं, या फिर कोई डाइटिशियन के साथ भी आप चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिन खानों में मिलते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद सोचिए कि आपका जो ये खाना वगैरह सभी कुछ ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने ब्रेन को उतना जितना मैं चाहता हूँ इसका जो फुल पोटेंशियल है उसमें यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी एग्ज़ाम में जाता हूँ कुछ भी चीज़ें मैं पढ़ा हुआ हूँ, बहुत बार रिवाइज़ किया हूँ, फिर भी एग्ज़ाम हॉल में मैं भूल जाता हूँ। तो इसका तो एक कॉज हो सकता है एंग्जाइटी, एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर में हम भूल गए। लेकिन दूसरा जो कॉज हो सकता है वो है आपका ब्रेन डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ब्रेन को भी अगर कुछ भी चीज़ें याद करना है तो उसको तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और ब्रेन का न्यूट्रिशन आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर उसमें काफ़ी अच्छे परिमाण में जाएगा तो वो वेल नरिश्ड रहेगा, और यह आपको एग्ज़ाम हॉल में कभी भी आपको डिप्राइव नहीं करेगा, आपको कुछ भी चीज़ें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो लेट अस नो हाउ वी कैन मेक आवर ब्रेन स्ट्रॉन्गर। तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो कुछ ऐसे आप लोगों को पता है कि ये जो गेम्स होते हैं जैसे कि सुडोकू, ऐसे जो गेम्स होते हैं या फिर चेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो चाहे तो आप वो खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा पावरफुल होता है। लेकिन अभी अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं तो वो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे इस वीडियो पे डिस्कस करूँगा। साइंटिफिक रिसर्च हैज़ प्रूवन दिस एक्सरसाइज टू बी वेरी मच इफेक्टिव।
अभी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं जो चीज़ हम यहाँ पे आज सीख रहे हैं कि एक साइंटिफिक रिसर्च ने हमें प्रूव किया है कि एक एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ तक कि मैं आपसे बता दूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये आयुर्वेदा ने भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारे जो ब्रेन है उसको रिलैक्स करने में और उसको वेल नरिश्ड करने में। दिस इज़ जस्ट अ ब्रेथ कंट्रोलिंग एक्सरसाइज। येस, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्टीमेटली ये एक टाइप ऑफ ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज है, यानी आपको थोड़ा कुछ समय के लिए सांस लेके उसको रोकना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। डू दिस एनी टाइम एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस ए डे। तो आप क्या कर सकते हैं, सोचिए आप मॉक टेस्ट लिखने जा रहे हैं, तो आप कोई ऑटो या बस में बैठे हैं तो तब आप यह कर सकते हैं, या फिर एग्जाम हॉल में पहुंच के भी जब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया आप बैठे हुए हैं तब भी आप यह कर सकते हैं, और ये मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज 478 एक्सरसाइज। तो ये 478 क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद में ही आपको बता दूंगा, ये एक एक्सरसाइज का नाम है, बहुत ही और तरीके के नाम में भी इसको जाना जाता है लेकिन मैं इसको 478 एक्सरसाइज कहता हूँ क्योंकि इस जो नंबर है ये नंबर आपको याद रखने हैं और उसी समय में आपको इसको रिपीट करने हैं और ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज होगा। तो चलिए आप सोच रहे होंगे कि ये 478 कैसे करें क्या नहीं करें, अब हम लोग सीधा चलते हैं ये एक्सरसाइज के प्रोसीड्योर पे। तो एक्सरसाइज का जो प्रोसीड्योर है ये ब्रेथ कंट्रोलिंग एक्सरसाइज है, ये मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया है। तो पहले क्या करना है, पहले आपको एकदम रिलैक्स होके बैठने हैं। रिलैक्स होके बैठ के आप क्या कीजिए कि ब्रीद इन फॉर 4 सेकेंड, आप एकदम रिलैक्स होके आप मन में 1 2 3 4 ऐसे करके आप 4 सेकेंड तो आप गिन सकते हैं, तो ऐसे 4 सेकेंड आपको एकदम डीपली इनहेल करने हैं, मतलब ब्रीद इन कीजिए ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, एकदम 4 सेकेंड, आप तो एक बिल्कुल 4 सेकेंड तो नहीं कर सकते लेकिन आप चाहे तो आंख बंद करके दिमाग में 1 2 3 4 ऐसे करके 4 सेकेंड से ब्रीद इन कीजिए। नाउ स्टॉप इनहेलिंग इन और आउट फॉर 7 सेकेंड। तो आपको ये जो ब्रीद इन आपने किया, अब 7 सेकेंड के लिए आप ना तो ब्रीद इन कीजिए ना तो ब्रीद आउट कीजिए, आप एकदम रिलैक्स होकर बैठ के इसको कंट्रोल कीजिए। ब्रीद आउट करने की आर्ज जो होगा पहले पहले थोड़ा ज़्यादा आएगा लेकिन आपको 7 सेकेंड तक कंट्रोल करना चाहिए। एंड आफ्टर 7 सेकेंड ऑफ ब्रीद कंट्रोल नाउ एक्सहेल इट स्लोली फॉर 8 सेकेंड्स। तो यही है आपका 478 रूल। तो आपको 7 सेकेंड के लिए उस ब्रेथ को रोके रखना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको रिलैक्स होते हुए वो ब्रीद आउट करना है 8 सेकेंड से। तो ये आपका जो है ब्रेन रिलैक्सिंग और टोटल माइंड रिलैक्सिंग प्रोसीड्योर भी आप कह सकते हैं, और आप इसको आपका ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, और इसके थ्रू ब्रेन का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन में आप सोचिए ये जो आप 7 सेकेंड से आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब क्या, आप तो कोई और काम नहीं कर रहे हैं, एकदम आँख बंद करके बैठे हुए हैं, तो आपको वो जो एक्स्ट्रा जो आपको आपका एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज है उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है, और वो जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपका सीधा एकदम ब्रेन पे चला जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी चीज़ें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रिपीट दिस ट्वाइस और थ्राइस एट ए डे। तो आप एक दिन में 2 या 3 बार ही इसको कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं जब कोशिश कीजिए एकदम 2 बार कर लीजिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, एंड दिस विल सर्टेनली इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। यह आप एकदम लिख के ले सकते हो कि इसको अगर आप करीब 1 महीने के लिए करेंगे तो आपको कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलेगा, आपको उतना ज़्यादा जो आपको लगता है कि नहीं मैं भूल रहा हूँ ये वाला प्रॉब्लम आपको कम होता हुआ दिखेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सबके लिए ये उतना इफेक्टिव ना हो लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो यही था हमारा 478 एक्सरसाइज जो कि मेरे लिए तो एटलीस्ट काफ़ी हेल्पफुल था और मुझे लगा आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैंने ये 3-4 स्लाइड बना के आपके लिए वीडियो बनाया है। और फाइनली मैं आपसे कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर, और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले ये प्रोसीड्योर का।
इसी के साथ ये वीडियो आज हम लोग ख़त्म करेंगे। छोटा सा वीडियो था, लेकिन हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अभी एक बताना और कुछ महीने एक्सरसाइज करने के बाद बताना कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया या नहीं आया। अगर आपको इम्प्रूवमेंट आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।